मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था और मौलाना साहब 15-16 साल के थे तो उस वक्त से जानता हूं, और क्योंकि पिशावर में हम दोनों थे और इनके वाले साहब जो थे वो लीडर थे JUI के मौलाना मुफ्ती में, वो बड़े जबरदस्त आदमी थे, तो उन ये हमारे दफ्तर में आते थे उनके बयान व्यान लेके, और वो और वहां आके वो खड़े हो जाते थे और जब उनसे कोई बयान ले के तो वो अब उनको कहते थे जाए जी अब आप। तो एक दिन मौलाना साहब मुफ्ती साहब के पास हम बैठे हुए थे तो वहां पे ये बार बार अंदर आ रहे थे, तो वो और मौलाना साहब उनको बार बार बाहर निकाल रहे थे। ये किस्सा शायद पहले भी मैंने सुनाया लेकिन आज मुझे याद आया, क्योंकि जिस तरह वो छोड़ के अचानक चले गए उसी तरह का किस्सा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साथ होता था कि ये आते थे अंदर तो उनको फौरन बाहर निकाल दिया जाता था। तो पूछा लोग, हमने भी पूछा कि ये मौलाना साहब क्या हुआ, ये कौन है और क्यों आप ये इनको बार बार बाहर निकालते हैं। कहने लगा ये मेरा बेटा है और ये बाहर जाके पैसे लेके और मुखबरी करता है कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, इसलिए मैं इसको कहता हूँ बाहर जाओ। और ये मैं अब खुद सुना रहा हूँ, और एक हमारे बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने कॉलम भी लिखा था, उसमें ये उन्होंने भी ये पूरा किस्सा लिखा था। तो मौलाना साहब तो शुरू से उस माहौल में रहे और वो उनको लोग बाहर ही निकाल देते हैं। अब आज PDM में वो खुद चले। एक बात आपको बताऊं, मौलाना अब्दुस्सत्तार नियाज़ी एक वाक्या बयान किया करते थे अक्सर, और इसको कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब में भी लिखा है कि मैं एक दफा मौलाना के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद से मिलने के लिए गया, तो एक लड़का जो है बार बार कमरे में आ रहा था, तो उन्होंने कहा जाओ तुम निकल जाओ। तो मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है लेकिन पैसे लेके मेरी मुखबरी करता है CID वालों को।